हेलो दोस्तों, तो आज हम मतलब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी एक तरह से चार्ट को रीड करने का ही एक तरीका है, मेथड है ना, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ग्राफ अब अप जाएगा या डाउन जाएगा और किस तरह से हम अपनी ट्रेड सपोर्ट और रेजिस्टेंस के थ्रू विन कर सकते हैं। ओके, हाँ, तो अब हम ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट होता क्या है। देखो, जो सपोर्ट किसे कहते हैं, अगर कुछ चीज़ अगर नीचे गिर रही है ना, आप अगर नीचे गिर रहे हो, आप उसको अपने हाथों में पकड़ रहे हो है ना, और वो चीज़ रुक गई है ना, तो वो सपोर्ट हो गया ना, उसे सपोर्ट मिल गया उस चीज़ को, है ना। कोई भी चीज़ गिर रही है, आप उसको संभाल रहे हो, पकड़ रहे हो, तो वो सपोर्ट हो गया ना। और रेजिस्टेंस हो गया एक तरह से, जो वो ट्राई तो कर रहा है रोकने की, लेकिन वो गिर भी सकता है। मतलब कि आपको एग्जांपल बड़ा बेकार सा लग रहा है ना, बेकार सी चीज़ है, मतलब कुछ चीज़ दिखाता हूँ, मतलब वो इसमें आपको ग्राफ के थ्रू बताता हूँ। सपोर्ट जो होता है वो नीचे से लगता है, और जो रेजिस्टेंस होता है वो ऊपर से लगता है। मैं इस चार्ट के थ्रू ही बताता हूँ, एग्जाम्पल थोड़ा बेकार सा हो गया, बोलना मत कि भाई राज भाई होते क्या क्या बताते रहते हैं। ठीक है, अब देखो, एक होजेंडर लेने देता हूँ हम। जो ये है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं ना वो यूज़ करते हैं। आपको प्रोट्री की बताता हूँ है ना। ये जो मैंने लगा, ये जो है ना, मैं इसके लिए सबसे पहले क्या बताऊँ जो आपको सच्चे समझ में आ जाए। क्या बताऊँ क्या बताऊँ, एक काम करता हूँ, जिद जैग नहीं यार, अभी नहीं, चलो तो ऐसी बताने की कोशिश करता हूँ, रुको थोड़ा जूम कर लेता हूँ उसे, है ना, जूम कर लेता हूँ। हाँ देखो, हाँ, ये जो ट्रेंड है ना आपको दिख रहा है, ये अप ट्रेंड है ना, ये आ गया यहाँ से यहाँ तक डाउन ट्रेंड, ठीक है, देन फिर अप ट्रेंड है ना, फिर ये डाउन ट्रेंड थोड़ा सा, फिर ये तुम्हारा यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा अप ट्रेंड है ना, ये है। अब आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है आपको बताता हूँ। देखो, ये जहाँ से ट्रेंड अप जाना चालू हुआ, जहाँ से ट्रेंड अप जाना चालू हुआ, बिल्कुल जो नीचे का पॉइंट है ना, ये है हमारा सपोर्ट। ओके, ये है सपोर्ट है ना। अब आप बताओ, यहाँ से अप जाना चालू हुआ, डाउन जा रहा है, इसको मत सोचो अभी, उसको भूल जाओ। फिर ये बताओ, अप ट्रेंड कहाँ से चालू हो रहा है, एक यहाँ से अप ट्रेंड चालू हो रहा है, ये जब मैं सर कर्सर घुमा रहा हूँ, ये अप ट्रेंड चालू हो रहा है यहाँ से, इस डोजी से आपने ये सपोर्ट यहाँ लगा दिया। मैं ट्रेंड लाइन हटा देता हूँ, ठीक है, देखो एक सपोर्ट यहाँ लगा दिया है ना। आप एक और बताओ, सपोर्ट कहाँ का लगेगा अपने हिसाब से, है ना, एक सपोर्ट आपका यहाँ लगेगा, यहाँ से अप ट्रेंड चालू हुआ है ना, एक सपोर्ट यहाँ लग गया, और कहाँ लगेगा सपोर्ट आपके हिसाब से, एक सपोर्ट यहाँ लगेगा, ये सपोर्ट हो गया है ना। देखो, ये वाले जो कर्सर है, यहाँ पर कर्सर है, ये सपोर्ट अब ट्रेंड हुआ ना, कर्सर हो गया, ये होता है सपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक जो है, ये जो है, ये होता है सपोर्ट, ठीक है। अब सिर्फ आप इतना ध्यान रखो सपोर्ट होता गया, आपको समझ में आ गया, जहाँ से अप ट्रेंड चालू होता है, जहाँ से चालू होता है वो वहाँ से जो क्रॉस हो रहा होता है, ये सपोर्ट होता है, ठीक है। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं अभी बताता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको सपोर्ट सपोर्ट बता दे, रेजिस्टेंस बता देता हूँ, ठीक है। एक मिनट एक मिनट, ये क्या कर दिया मैंने, ये कॉइल इन मिस हो गई, एक मिनट, ये तो कर दूँ, सपोर्ट बता दिया, आपको बताता हूँ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता है जहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है, जहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है। देखो, यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है तो ये आपका रेजिस्टेंस, यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है ये आपका रेजिस्टेंस, ये आपका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है ये आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। देखो, यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ये है रेजिस्टेंस, यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ छोटा सा यहाँ तक का, ये है रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ये है रेजिस्टेंस। ओके, तो आपको समझ में आ गया रेजिस्टेंस क्या है और सपोर्ट क्या है, बस आपको इतना समझना है फिलहाल, ठीक है, आप ये समझ गए। ये हटाया था, थोड़ा भरा भरा सा लग रहा था। अब इस चीज़ को यूज़ कैसे करना है मैं आपको वो बताता हूँ। देखो, इससे आपको क्या बताता हूँ, देखो
आप पहले आप बात करते हैं सपोर्ट की। मैं इसको बिल्कुल सीधी भाषा में बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ी ये ट्रिकी होती है जो प्रो ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, तो मैं इसको आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप भी पूरा कंसंट्रेट होकर सुनो, जब भी आपको समझ में आएगी। ठीक है, ट्रिक आसान है, बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है समझाने में, है ना। तो आप मेरी बातों पर ध्यान देने की कोशिश करें जो बताना चाह रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आएगा, हम इसको लेके अगली उसमें स्ट्रेटजी में फॉलो करेंगे, है ना, आपको बताएंगे किस तरह ट्रेड विन कर रहे हैं, है ना, तो आप अच्छे से समझ जाओगे। लेकिन फिलहाल इसे थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा समझ लो, जैसा मैं समझा रहा हूँ बस इतना ही बहुत आपके लिए। देखो, ये है सपोर्ट, ठीक है। सिर्फ इसका हम कलर कर लेते हैं, कलर कर लेते हैं, मान लो सपोर्ट के लिए कलर कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है, या रेड करें, रेड कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं, सॉरी थोड़ा मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। हाँ, ये देखो, ये सपोर्ट है। अब इससे ग्राफ अप जा रहा है ना, अप जा रहा है, अप जा रहा है। ये नहीं सोचना, आपको अब लग रहा होगा अच्छा यहाँ पे ये अगर ये बिल्कुल डाउन आया, यहाँ पे वर्टिकल लगा दो, सपोर्ट लगा दो, अब यहाँ से ग्राफ अप जाने वाला है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमें क्या करना है, जब तक इस लाइन के पास ग्राफ नहीं आ जाता दोबारा, इसे ग्राफ गया ऊपर ऊपर ऊपर, जब इस लाइन के पास अगर ग्राफ आएगा ना, और जैसे ही इस सपोर्ट को ये ग्राफ ये कैंडल क्रॉस करेगी, है ना, तो समझ लो क्रॉस करते ही कि इस सपोर्ट को तोड़ने वाला है। इस सपोर्ट को उसने तोड़ दिया, अब ये और डाउन चला गया, समझ गए। जैसे ही इस लाइन को क्रॉस करेगा नेक्स्ट टाइम, इसको करने के बाद जब नेक्स्ट टाइम ये क्रॉस करेगा, तो समझ लो कि जो उसके बाद आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 1 मिनट, 2 मिनट डाउन ट्रेंड रहने वाला है, डाउन ही रहेगा, ठीक है। इस सपोर्ट का ये मतलब होता है, ठीक है। अब मैं इसको हटाता हूँ, अब आपको रेजिस्टेंस बताता हूँ क्या होता है। आप थोड़ा बहुत, मुझे उम्मीद है कि हाँ थोड़ा बहुत तो समझ गए होंगे, है ना। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, ये रेजिस्टेंस है, मैं रेजिस्टेंस बताता हूँ यहाँ पे, ये है रेजिस्टेंस, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। मतलब रेजिस्टेंस बहुत सारे हैं, आप छोटे छोटे में भी यूज़ कर सकते हो। देखिए, रेजिस्टेंस हो गया, और एक और रेजिस्टेंस बता देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पे, है ना, और ये रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस नहीं है, सॉरी, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है तरह से, है ना, और आपका वो बड़े से लगाते हैं, ये रेजिस्टेंस लेते हैं, ये जो पहले रेजिस्टेंस है ये वाला, ठीक है, इसको लेके करते हैं, इसको करते हैं ग्रीन कर लेते हैं, ग्रीन एक को ग्रीन कर लेते हैं। देखो, इसमें क्या है, ये हो गया रेजिस्टेंस, आपने देखा ये ग्राफ अब जा रहा है, अब जा रहा है, ये रेजिस्टेंस लगा दिया आपने यहाँ पे, जैसे बिल्कुल अब चलने के बाद अभी थोड़ा डाउन हुआ, आपको पता चल गया ये रेजिस्टेंस हो गया। अब आपको वेट करना है कि कब इस लाइन को ये कैंडल क्रॉस करेगी, वेट करना है। देखो, आप वेट करोगे ना, वेट करके आप ट्रेडिंग करोगे तो आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। आप पूछो ही मत कि आप क्या से क्या बन जाओ, है ना। अगर आप भाई जल्दीबाजी करोगे तो सॉरी, मैं कुछ कह भी नहीं सकता कि आपका क्या होने वाला है उसके बाद, ठीक है। आपने वेट करा, ये कैंडल चल रही है, 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 और आपने देखा ये इस कैंडल के, इस लाइन के जो रेजिस्टेंस है हमारा, इसको इसने क्रॉस करा, और जैसे ही क्रॉस करा, ये अप तो गया फिर डाउन आ गया, लेकिन अप गया है, देख सकते हो, इस तरह से रेजिस्टेंस हो गया है ना। मतलब कि इसको ये तोड़ने वाला है कुछ सेकंड के लिए, चाहे 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए तोड़ने वाला है, तोड़ेगा पक्का। जैसे इसको रेजिस्टेंस को लिया, इसने तोड़ा हल्का सा, फिर यहाँ 1, 2, 3, 4 मिनट रहा, फिर आ गया डाउन, फिर इसने एक जो, अब जो नया रेजिस्टेंस बना, वो नया रेजिस्टेंस यहाँ पे बना, यहाँ पे बना, जो नया रेजिस्टेंस बना। अब जो नेक्स्ट वाला है वो इसको तोड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है, ये होता है, समझ गए। अब ये वाला देख लेते हैं, जैसे ही इस रेजिस्टेंस को इसने तोड़ने की कोशिश करी, तोड़ा नहीं, पूरा अपने गया, डाउन हो गया, दोबारा गया, यहाँ ही रुका हुआ है, यहीं रुका हुआ है, ठीक है। फिर जैसे ही यहाँ पे इसने क्रॉस करा इसको, तो समझ लो अप ट्रेंड रहने वाला है। देखो, ये अप ही चल रहा है यहाँ से, ये जो ट्रेंड है ये अप ही चल रहा है। तो ये होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इससे आपको ट्रेड कैसे लेनी है, प्रॉफिट कैसे आना है, आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा, लेकिन परफेक्टली नहीं आया। आप ये सोच रहे हो क्या बता रहा है, इससे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा, ट्रेड कैसे करें। देखो भाई, सिर्फ स्टार्टिंग की 5-6 वीडियो, सिर्फ 5-6 वीडियो ऐसी हैं जिसमें आपको नॉलेज लेनी है। आपको बोरिंग लग रहा होगा, चाहे यकीन नहीं आ रहा, आप एक काम करो, सीधा 10वीं वीडियो पे जाओ, 7वीं वीडियो पे जाओ। आप बोलोगे हाँ भाई यार, ये बढ़िया चीज़ है, स्ट्रेटेजी फॉलो करी और सीधा विन बता दिया, ट्रेड लगा दी, भाई विन कर गए। मतलब
ऐसी सी स्टडी है, कम से कम पूरी वीडियो में यही बता रखा है मैंने कि स्टडी फॉलो करो है ना और विन करो, तो ये बता रखा है ठीक है। लेकिन आपको ये सीख जाओगे ना, थोड़ा सा होता है ना कि जो फर्स्ट स्टेप होता है ना वही सबसे हार्ड होता है ना, तो आप इसको थोड़ा सा समझो, सीखो, पता करो कि ये क्या है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, उसके बाद समझ लो कि आपकी क्या क्वालिटी, समझ रहे हो ना, प्रो ट्रेडर बन जाओगे इसके बाद है ना। बस ये होता है फिलहाल इस वीडियो में, रेजिस्टेंस और सपोर्ट ही बताया, यही होता है। अगली वीडियो में मतलब कि आपको अच्छे से बताऊंगा कि क्या यूज़ करके रेजिस्टेंस और सपोर्ट से विन कैसे किया जाए, ठीक है। थैंक यू।